गाइज वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में हम आपका स्वागत करते हैं एक नए दिन की शुरुआत के साथ। आज वैसे कुछ शेड्यूल वेड्यूल तो है नहीं हमारा, कहीं का भी प्रवास है। हम आपके लिए दिन की दिनचर्या यानी डेली रूटीन बना रहे हैं। तो रूटीन तो वैसे कुछ नहीं रहता है, 9:30-10 बजे सो के उठ रहे हैं। आग लगा दी क्योंकि आज हमारी छुट्टी थी, उसके बाद उठने के बाद झाड़ू पोछे कर लिए। अच्छा, और मम्मी के लिए एक तो वीडियो बना ली है, ठीक है, जो हमें वहाँ में शॉर्ट्स में गिननी है। तो भैया अब हमारे पापा लेके आए हैं, वो क्या बोलते हैं उसे, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। जो जूते भरते हैं जिसमें जूते का रैक, अंग्रेजी में पता ना, शू स्टैंड लेके आए हैं मेरे पापा। तो उसको लगाना था, तो अभी पापा ने ला के रख दिया, मम्मी को पता नहीं था। तो मम्मी जरा उसका रिएक्शन देती है कि क्या देंगी क्या बोलती है। मम्मी बोल रही थी टीवी लेके आए, टीवी। तो गाइस हमारे पापा लेके आए आज ये कुछ नई सी दमदार सी चीज, बाहर के लिए ही है जो भी कुछ है। तो देख लो गाइस, जूते का रैक है। अरे मम्मी जल्दी पता लग गई, मम्मी खुशी देखी। पापा कितनी देर में पता लगी मम्मी को? पंडित के यहाँ से अच्छा पंडित के यहाँ से मम्मी जाओ हेल्प करो पापा सामान निकलवाने। देख रहे हो पापा, पापा को बस चले, मम्मी को जूते के रैक में बंद कर दे। यहाँ नहीं लगेगा ये, वहाँ लगाएंगे इसे छत पे लगाएंगे इसे। आज जब खुद जाना पड़ेगा लेने तो क्या करेंगे? तो देख लो गाइस हमारे आज जूते का रैक है, उसमें तो ताला लगा के रख सकते हो, एक खोलोगे तो सारे खोलेंगे, ठीक है जी? बताओ मम्मी, 700-800 का। आप मम्मी को बेच के आ सकते हो, हम कुछ नहीं बोलेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो क्या बोल रहा है दादा? फ्री का मिला कि फूफा की दुकान है आपके? क्या नहीं पूछ रही? यानी कि सुबह एक बार खिला दिया तो पूरे दिन की छुट्टी तुम्हारी? दावत में गए थे तो आके रास्ते में 2 घंटे का सफर है, किसी को भूख लग रही हो, प्यास लग रही हो, कोई डुका से मर रहा हो तो तुम दोगे नहीं। तो गाइज हमारी मम्मी और पापा करने लगे हैं काम शुरू, पापा लगा रहे हैं बक्सा, पापा की इनकम औलाद नहीं कर रही है। हम छुपा के रख रहे हैं जिनसे तुम हमें ना मारो पीटो, ऊपर से जब तुम्हें जूतों की जरूरत पड़े तो हम इनका ताला लगा दे और ताला लगा के भाग जाए। जूतों था तुम्हारे बच्चे पीटती हो तुम जूतों से? झूठ बोल रही है तू, एक दिन भी लगा बकवास कर रही है। हमने सुना है कि बच्चे जूते से पिटते हैं, तो इसलिए हमारे पापा चाबी वाला लेके आए हैं ये, जिससे कि ये लगा के लॉक और चाबी बच्चे लेके भाग जाए। कोई भी एक बच्चा लेके चाबी भाग गया तो सब बिना जूतों के जाएंगे। मेरी मम्मी को पता लग गया मेरा वाला है वो, जब भी घर से मैं नाराज होंगी या कोई गुस्से में होंगी तो इसकी चाबी लगा के और लेके ताला चुप देने निकल जाया करूंगी, फिर ये सारे नंगे पैर डोला करेंगे। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। सारों का लॉक है, सारों का एक ही ताला है। अरे कोई सारे ताला बंद करके चाबी खोल दिया तो बैठ जाएंगे कहीं पार्टी वियर में जाने में। पापा फिर सारे नंगे पैर घूमेंगे अगर कोई से भी एक को गुस्सा आ गया, सबकी चप्पल लेके चला गया। ऊपर वाले में रखो ताला, बोलते पापा जुगाड़ कर देंगे अभी। इसका ऐसा करो ना, इसके पैसे क्यों खर्च करवाए? फिर तुम्हारे पास कनस्तर रखा था उसी में रख लेती अपने पुराने जूते, नए जूते तो रखने ताले में। हाँ सही बोल रहे हो, दिमाग सु पैदल। चलिए तो पापा चल चुके हैं अपने कार्य पर। देखो मम्मी उंगली दिखा दिखा के पापा को डरा रही है। देख लो गाइस, देखो धमकी दे रही है, धमकी। पेचकस दे दो मम्मी, दीप ने सलाह दी, सलाह नहीं मानी गई।
इतना मम्मी मम्मी बेटो क्या हमेशा खिचड़ी अलग रखती है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। तो ढके रहेंगे वो जा, तेरी सहेली बुला रही है। लो 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 पापा आप ये चप्पल कोड़ा वाली उतार दो, ले दो इसके मुंह पे। साइंस में लग रहा है कि छुले में लाइक कुछ चीज है, ये छुपा के अपने लाइक लग रही है। अच्छा जान प्यारी नहीं है, तो हम कंप्यूटर मना कर रहे थे तब भी तेरी जिद थी ना, अब ये यहीं लगेगा, यहीं यहीं लगेगा अब ये। पापा जी बताएंगे, पापा जी आ जाएगा, आपने कहा था ईगल ने आपका मन बदल। ये मांग रहा है खुराक, हम बोल रहे हैं पापा। देखो जूते पहले से तैयार है, आता ही बोलने जाएंगे। मम्मी बड़ी खुश होती है इसको देख देख के, जब तो कि मेरा लड़का कितनी अच्छी हरकत कर। हरकत नहीं, तुम्हारे हालत है, एक कदम चलना ना पड़ जाए ऊपर को। तो गाइज मेरा हाथ सूज चुका है, मेरे आज खा लिया है मकड़ी ने, मेरी जेब में मकड़ी आके बैठी। मकड़ी बोलते हैं नहीं, मधुमक्खी, मधुमक्खी मेरी जेब 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 में आके बैठ गई मेरे मधुमक्खी, और एकदम डंक भर के गई इसमें भट्ट देनी। हाथ सूज गया हमारा। पापा चाय बनवाने के लिए बोल दो मम्मी से इतने। अरे चुप रहे, बकचोदी मत कर, मारूंगी पूरी तरह से। क्या धमक, जब हम कहीं बाहर को जाया करेंगे तो छूट देनी जूते। जूतों के लिए तो क्या करना पड़ेगा, अमूल पैक करना पड़ेगा, वरना यहाँ रेती भी तो जाएगा, कहीं नहीं होएगा, सफा हो जाएगा वो। तू देखूंगी कितना सफा करके धरेगी वो यहाँ में जूते। तुम वो वाली अपने वाली मत कर देना कि देसी जुगाड़ कर दो, जो पिनियम भर भर के रख दो जूता। नहीं जी, इसमें ऐसे कैसे, देखो ऊपर तो आएंगे नए, नीचे आएंगे पुराने। तुम्हारे लिए सीढ़ी लगवा देंगे इस पे चढ़ने में, झुक के उतार देंगे। पापा जो नौकर तो आदमी हो ना, कोई भी हो, वो ऐसा हो किसके लिए बोल रहे हो, सुनो रही तेरी मेहतारी और मिलना पड़े ना, फिकर फिकर हंस के दिखा दे। अरे पापा इलेक्ट्रिशियन बन चुके हैं, पापा के कुछ कुछ गुण हम में भी आए हुए हैं, ऐसे खतरों से खेलने वाले। माँ से बचा रहे हैं ना, जो तक रैक को सही है। तो गाइज हम आपको बता रहे थे कि आज हमारे जो जूते का रैक आया है उस पे मम्मी की पूरी कोशिश विफल हो गई है। आज देखो मेरे हाथ में खा गई है मधुमक्खी, पता नहीं कहाँ से आके मेरी जेब में बैठ गई, मैंने जेब में हाथ दिया, मेरी उंगली में डंक लग गया और जहर सा फैलता चला गया और हाथ सूज चुका है। ऐसा हो रहा है मोटा सा घूसा, खाई के पड़ जा तो बेहोश हो जा, पर ये बेचारा बहुत दर्द कर रहा हो। पर इसके पीछे एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि आज हमको बर्तन नहीं धोने पड़ेंगे, आज बर्तन मम्मी धोएगी हमारी। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। छोटी 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 खुशियों में अपनी खुशी ढूंढनी चाहिए, आज मैंने अपनी खुशियों में खुशी ढूंढी है, आज मेरे को मधुमक्खी ने खाया है तो बर्तन नहीं धोने पड़ेंगे, बहुत बड़ी खुशी है मेरे लिए। गाइस मम्मी ने मेरे को ये बात बोलते हुए सुन लिया और आ चुकी है। हाँ, किससे बात कर रही है? मैं अपने गाइस से बात कर रही हूँ।
फोन में छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढ रही हूँ मैं। कहाँ है तेरा गाइस बता। फोन में दिखा पहले। अरे गाइस ही हैं। हाँ तो उस गाइस के संग तो दिखा मैं कौन है। तो तुम हो ना मेरी गाइस, तो तुमसे ही तो बात कर रही हूँ मैं। मैं रसाई में खड़ी हूँ, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तो मैं फिलहाल अब खुद से कर रही थी, फिर तुमसे बात करने लग गई मैं। दिख रही है मुझे तेरी उड़ी चल रही है कहीं। इतनी शक क्यों करती हो, देख लो। मैं तो वहां थी रसोई में, तुम्हें वीडियो तो बना रही थी अपनी, अपना इंट्रोडक्शन दे रही थी बिखरे हुए बालों से। जब तुमने मेरा इंट्रोडक्शन खराब कर दिया था पहले पापा के साथ आके। मैं आज बता रही हूँ गाइस, मेरे मधुमक्खी खा गई है, तो मैंने छोटी सी खुशी ढूंढी है आज। मानना मत ढूंढा, खुशी नहीं है। मानना नहीं चलेगा। मैं अपने दर्द को कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ नहीं है, यहाँ है, देख। रोटी फूक दी, रोटी छोड़ के आई है, मेरी बात को सुन के देखो। तो दोस्तों, मेरी मम्मी को मेरे से बर्तन धुलवाने हैं, इस चक्कर में आज मेरी मम्मी खुद अपने हाथों से रोटी उठा के ला रही है। वो देखो बिरड़ ना खाया है तो भाई। किसने खाया? बिरड़ ना। अच्छा ततैया को बिरड़ बोलती है, क्या लाई हो? देखो ये लाई है अंग्रेजी लाल रंग की खूनी रोटी। तू तो कहती मुझे पिंक रंग बहुत पसंद है, मेरे लिए तो भैया बेटी को पिंक की रोटी दे दे आज। मेरे को पिंक रंग पसंद है। अरे झूठ बोल रहा है ये, झूठ बोल रहा है। कब से? तो गाइज ये मेरी माँ नहीं है, क्योंकि इनको पता नहीं है कि मेरे को पिंक रंग से इतनी नफरत है, ये फिर भी पिंक रंग की रोटी बना के लाई है। ओहो दीपो, तेरी पिंक की रोटी बन गई है तो। मैंने कभी नहीं बोला मुझे पिंक रंग पसंद है। किसकी माँ हो तुम मुझे आज ये बताओ पहले। बैगन। साल का आखिरी परांठा खाते हुए हम आलू का अपनी मम्मी के साथ आपको मिल रहे हैं आज साल के आखिरी दिन में। कल भी हमने पिंक परांठे खाए थे, कल पिंक आज हरे परांठे हैं। मम्मी ने जिंदगी में रंगीनी अच्छा रखी है हमारी, कलरफुल जिंदगी कर दी है, कतई रंग बिरंगी छा रखी कतई जीवन में। कल ही हल्दी के परांठे खिला देंगी, आज इन्होंने हरे हमें पालक के परांठे खिलाए, कल इन्होंने हमें चकचुंदर के परांठे खिलाए थे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। सर तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। चकुंदर चकुंदर परौंठे खिलाए हैं आज इन्हें, कल इन्होंने हमें रात को, आज इन्होंने खिलाए हैं पालक के परौंठे, और अब हम जी पालक नहीं है बथुआ। ये तो हमारी जिंदगी का हरा भरा कर देंगे बिल्कुल। 2023 का आखिरी दिन है, तो आज हमें मम्मी ने जल्दी उठा के नहला दिया है। यूँ कहती है जल्दी नहा लो और अगले दिन फिर नहाना पड़ेगा। कोई जा रहा है उसे जल्दी विदा कर दो। हाँ मम्मी बोल रही है जल्दी विदा कर दो, टाइम से दिन दिन में निकल जा 2023। जब कोई जा रहा होगा तो उसे लेट निकलना चाहिए, अंधेरा ना करना चाहिए। टाइम से लिए काट देंगे, विदा कर देंगे 2023 से हम बढ़िया। अच्छा ये हमारे मम्मी ने हमें जल्दी निभा दिया, कभी बेचारे 2023 हमारा इंतजार करता ही रह जाओ। तो चलो गाइस, जब तुम से नाश्ता पानी टाइम से लोगों तो जाने वाला लेट होता है ना, इसलिए वजह खाते। अच्छा तो इसलिए मम्मी ने सुबह जल्दी ही जल्दी आलू उबाल लिया, जल्दी पालक बथुआ उबाल लिया, जल्दी विदा कर दिया बेचारे 23 को। 24 का भी आएगा कल, तो फिर उसके लिए क्या करने वाली हो? उसके लिए भी मम्मी ने देखो एक साल, एक दिन पहले एक साल बना लिया। कल ही गाजर घिस ली इन्होंने। हमारे भैया आ गए हैं दूध लेके, मिलवाते हैं आपसे हम 2023 में। भैया नमस्ते, ठीक हो भैया? क्या हाल चाल चल रहे हैं? 2023 विदा करने आए हो? हेलो गाइस, दूध ले रहे हैं हम अपने भैया से। क्यों? अच्छा हाँ, मम्मी को वैसे भी आज गाजर घिसनी है। भैया मम्मी ने आपके लिए हरे भरे परांठे बनाए, रात को आते तो मम्मी ने चकचुंदर के परांठे बनाए थे। तो लेट हो गए आए तो, है वो मुझे खाने पड़े तुम्हारे चक्कर में। न्यू क्या भैया के लिए बनाए थे, भैया तो लेट हो गए तो तू ही खा ले। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद है नए साल में साल अच्छा। को भी सबको बहुत अच्छे होंगे आप लोगों के हाल। अब हम जा रहे हैं मंदिर, तो आज हमें जल्दी उठाया गया है यही बोल के कि आज जो काम करोगे वो पूरे साल करोगे। बहुत तगड़ी हो रही है, हम फिर भी आज जल्दी उठा दिए हैं, उठा के दिए हैं, क्योंकि आज वही दिन है। वो कहते हैं ना कि जो काम आज करोगे वो पूरे साल करोगे, तो जल्दी उठोगे तो जल्दी का पूरे साल का वही काम करोगे। मम्मी पत्ते तोड़ रही है हमारी, हमारे तो बहेगी। तो यूँ कहते हैं कि जो काम आज करोगे वो पूरे साल वही काम करोगे, तो जल्दी उठोगे तो जल्दी जल्दी पूरे साल उठोगे, और जल्दी नहाओगे तो जल्दी पूरे साल नहाओगे। आज वही दिन है, तो इसलिए अब हम मंदिर जा रहे हैं उठ के जल्दी। आज वैसे तो मैं पापा से पहले नहा ली, पापा
पापा का जो है ना पानी लगा हुआ था नहाने को, हम उस पानी में नहा लिए। मिल गया मम्मी को पत्ता, मिल गया पत्ता, पत्ता तो मिल गया। चलो चलो पत्ता मिल पड़ी है। चलो यार लाला जी खत्म नहीं होता तुम्हारा। मम्मी पापा की जो बहस हो रही थी ना, यूँ कह रहे थे कि आज हम बात करनी छोड़ देते हैं, पूरे साल बात नहीं करेंगे। मैं तो पूजा कर रही थी पर मैंने फिर भी सुन लिया। यूँ कहे जो आज काम करेंगे तो पूरे साल नहीं करेंगे, तो पापा कहते हैं मैं बात करनी छोड़ देता हूँ तो पूरे साल बात ही नहीं करूँगा। ऐसा ही था मम्मी। तो गाइस अब हम मंदिर पहुँच चुके हैं, हमारे मंदिर यहाँ पे है, पेड़ों में छुप रहा है। अच्छा तो आज खाना भी छुड़वा दोगे तुम, फिर तो कहोगे आज खाना छोड़ दो मेरे पूरे साल की छुट्टी। मैंने कहा था परहेज अच्छे से कर लो, तो परहेज अच्छे से होगा सुबह का, तो फिर मैं खाना क्या बोलना ही छोड़ दूंगा। हाँ तो ये अच्छा कहा ना। तो चलो गाइस अब हम मिलते हैं। ये हमने चादर ओढ़ रही है क्योंकि हमें ठंड लग रही थी, हम ज्यादा हवाबाजी में आ रहे थे। तो गाइस मेरी मम्मी चप्पल पहन के जा रही है, हम नंगे पैर जा रहे हैं मंदिर। मूर्ति इतनी होती है ना मैं कर रही सब सो रहे हैं। पापा मंदिर होके आगे प्रसाद लाए हैं। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। जीत रहे बने रहे हैं तो।